राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट से 3 मंत्री और कई मौजूदा एमएलए का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी फैल गई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम तय हुए, लेकिन लिस्ट सामने आते ही श्रीगंगानगर में हंगामा शुरू हो गया। वहां बीजेपी ने मौजूदा एमएलए प्रहलाद टाक का टिकट काट कर नए चेहरे विनीता आहूजा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस फैसले के विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ता खुलकर सामने आ गए। उन्होंने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की और झंडे बैनर जला दिए। भारतीय जनता पार्टी दो बार के एमएलए प्रहलाद टाक के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ कई पदाधिकारी भी खुलकर सामने आ गए। लगभग 2000 कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे। हम लोग टाक साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और टाक साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। प्रहलाद टाक के समर्थकों ने बीजेपी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया।